नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का उस फाइल मैंने शेयर करके, मैंने जो मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक इसका यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और जिसका थ्रू मैं आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है, तो उसको मैंने अब उसका परफॉर्मेंस बाइसल लेवल का स्कम स्किनर और बाइसल लेवल थ्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आज का दिन में कैसा रहा वो मैंने दिखाता हूँ। मैंने और रोज़ ही दिखाता हूँ, तो आप लोग पहले वाला वीडियो सब लोग भी देख लिख सकता है। तो देखिए, मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे कल रात में मैंने ये फाइल मैंने सेव मतलब शेयर किया था। उसके बाद मैंने सॉरी ये फाइल मैंने कल रात को शेयर किया था, ये देखिए इधर ये फाइल। और उसके बाद मैंने कॉल्स भी दिया था, मैंने कॉल्स मतलब मेरा रिकमेंडेशन था, सॉरी मैंने गलत दिखाता रहा हूँ, एक्चुअली मैंने इधर से फाइल मतलब कुछ डिलीट कर दिया था। उसके बाद में फाइल उसके बाद में मैंने शेयर किया था। तो इधर मैंने उसके वो बाइसल लेवल स्क्रीनिंग करके मैंने कुछ कॉल्स दिया था, मतलब कॉल्स मतलब मेरा रिकमेंडेशन था। आप लोग भी स्क्रीनिंग करके देख सकते थे, तब भी मैंने स्क्रीनिंग करके दिया था अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इधर बैंक निफ्टी वो भी मैंने हर रोज़ ही दिखाता हूँ, आज थोड़ा सा टाइम कम है इसीलिए मैंने उधर से कितना प्रॉफिट है वो दिखा रहा हूँ, बस स्टॉक से कितना है। पहले वाला वीडियोज़ और आप लोग पहले वाला कॉल्स भी चेक कर सकता है कि मैंने के कितना प्रॉफिट रहता है नहीं रहता है, तो उसको मैंने फाइल से दिखाता हूँ। देखिए मेरा जो ये फाइल मैंने शेयर किया था वो मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद करंट जो मार्केट प्राइस है उससे वो मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैंने इधर फार्मूला लगा के हाफ टेंट का जो एंट्री पॉइंट है उधर ये करंट जो हाई है उधर से गेटर होना चाहिए। देखिए इधर अप ट्रेंड में मेरा जो एंट्री पॉइंट है उधर देखिए ये कॉलम F4 है, उधर जो इसका कॉलम डाउन अप ट्रेंड का सेल कॉलम M4 है। इसमें ये फाइल में क्या क्या रहता है और क्या क्या कैसे स्क्रीनिंग किया जा सकता है वो पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैंने पहले वाला परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, उधर भी बोलता हूँ, मैंने बोल देता हूँ, आज नहीं बोल पा रहा हूँ। मैंने एक दो एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखिए ACC मतलब अप ट्रेंड का सेल लेवल में इधर मैच किया है, तो इधर देखिए अप ट्रेंड इधर लो हुआ है 1500, तो ये देखिए आप लोग इधर 1500 और इधर एंट्री पॉइंट था 1530 में एंट्री पॉइंट था, उसके बाद वो 1500 लो हुआ है। तो चार्ट में एक बार देख लेता है वो कहाँ पर ओपन हुआ था। ACC देखते हैं 1440 में ओपन हुआ था, उसके बाद ये 1530 से इसका एंट्री पॉइंट था, उसके बाद 1500 लो आया है। तो आप लोग इधर से देख ले सकता है, चार्ट से भी देख ले सकता है, 15 मिनट का चार्ट में क्या आप लोग पोजीशन ले सकता है, कहां पर पोजीशन ले सकता है ना नहीं ले सकता है, नहीं ले सकते थे तो आप लोग भी समझ जाएंगे। देखिए इधर 1540 में ओपन हुआ था, 1528 फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल पे वो आया था, तो आप लोग आराम से 1530 में एंट्री ले सकते थे, तो अपना हिसाब से आप लोग प्रॉफिट भी बुक कर लग सकते थे इंटरडे का हिसाब से। तो वही मैंने और भी मेरा जो बाइसल लेवल कम स्किनर है उसमें बाइसल लेवल 1 रहता है और ये बाइसल लेवल जो 3 अलग से फाइल देता हूँ। इधर देखिए वाई का एंट्री लेवल, सॉरी इधर ये फाइल मैंने इधर डाउनलोड किया, हाँ इधर मैंने डाउनलोड किया। देखिए इधर जो बाइक का एंट्री लेवल था बाइसल लेवल कम स्किनर में, यह है बाइसल लेवल 1 का एंट्री लेवल। बाइसल लेवल 1 का एंट्री लेवल देखिए 1537 इसमें जो 1540 में ओपन हुआ था, तो ये आप लोग बाइक लेवल में एंट्री नहीं ले सकते थे। इधर सेल में एंट्री लेवल था वो भी 1530 में एंट्री लेवल था, तो 1530.80, तो इधर इसके बाद ये इतना प्रॉफिट दिया है 1500 लो हुआ है आज का दिन में। वो देखिए फर्स्ट मतलब 10:30 लास्ट में ही आपका 11 बजे आप 1516 तक आ गया था, उसके बाद लास्ट तक एंट्री मारा है 1507 इधर 1500 लो दिखा रहा है।
तो इधर आप लोग अपना हिसाब से एटलीस्ट 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट या 15 पॉइंट आप लोग का रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब से आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले सकते थे। उसके बाद मैंने और भी एग्जांपल देखा था हूँ, तो मैंने एक भाई का, आज तो मार्केट डाउन ही गया है, तो भाई का इंटेक दिखा देता हूँ। देखिए बजाज ऑटो इधर भाई अप ट्रेंड में भी मैच किया है, डाउन ट्रेंड में भी मैच किया है। तो अप ट्रेंड में देखते हैं, इधर देखिए 3270 इसका हाई है, तो 3270 हाई है तो इसका एंट्री लेवल कहाँ पर था? बजाज ऑटो का एंट्री लेवल था 3263। तो अप ट्रेंड में इसका 7 पॉइंट गया था, ज़्यादा दूर नहीं गिन जा पाया। उसके बाद डाउन ट्रेंड में इसका लो आया है, इसका लो आया है बजाज ऑटो का 3167। तो 3167 3770, तो इधर से ये ज़्यादा दूर नहीं आ पाया। तो मैंने आप लोग ये बाय सेल लेवल और ये बाय सेल लेवल देखूंगा, तो मतलब बाय सेल लेवल 1 मैंने देखूंगा तो इसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है वो भी देख लेता है। आप लोग एंड ऑफ द डाटा लेके, एंड ऑफ द डाटा मैंने जो फाइल शेयर करता हूँ तो इसमें आप लोग आराम से बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख सकता है। आप लोग स्किनर वाला वीडियो भी देख सकता है, कैसे आप लोग शानदार आप लोग मतलब स्किनिंग कर ले सकते थे, आप लोग स्टॉक्स चुन सकते हैं इधर से। उसके बाद आप लोग बाय सेल लेवल देखिए, कोई भी एक लेवल देखिए आप लोग इधर, ये बाय सेल लेवल 1 भी यूज़ कर सकता है, बाय सेल लेवल 3 भी यूज़ कर सकता है, इधर बाय सेल लेवल 2 भी है वो भी आप लोग देख सकता है। तो देखिए बजाज ऑटो इधर इस बाय सेल लेवल 1 में इसका एंट्री लेवल था 3183। तो ये आजकल हाई हुआ है 3270, तो देखते हैं कहाँ पर इधर इसको एंट्री ले सकते थे। बजाज ऑटो देखिए 3167 में ओपन हुआ है, उसका ही लो हुआ था, मतलब 3167 में इसका एंट्री नहीं होता था। तो उसके बाद 3270 हाई हुआ था। चार्ट पे भी एक बार देख लेता है कौन से टाइम में ये हाई गया है। देखिए फर्स्ट एंट्री से ये पूरा हाई गया है, इधर क्रोनोमीटर चार्ट से ऊपर आप लोग देखिए, इधर 3183 के ऊपर इस लेवल पे भाई 3183 पे आप लोग मतलब बाई ले का एंट्री लेवल था 3192। आप लोग फर्स्ट 15 मिनट छोड़ के अब एंट्री लेते थे, फर्स्ट 15 मिनट 3194 आप लोग ये लेवल का ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे, 92 टारगेट 1 के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे, तो आप लोग का अच्छा प्रॉफिट दे सकता था। तो ये इसका सेल लेवल आ ही नहीं है, 3164 इसका सेल लेवल है, तो इस सेल लेवल आ ही नहीं है। तो इधर और भी देखते हैं, मैंने इस टाइम इन द मीन टाइम मैंने और भी स्टॉक्स दिखाता हूँ, इन द मीन टाइम हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी दिखा देता हूँ कैसे कि ये काम किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी और का जो ऑप्शन का कॉल दिया है, मैंने आप लोग को दिखा दिया क्या ऑप्शन का क्या कॉल था, वो आप लोग चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं, मार्केट वॉच से भी देख सकता है। तो इधर देखिए निफ्टी भी इधर जो अप ट्रेंड का सेल लेवल है बैंक निफ्टी, इधर देखता है बाई सेल लेवल थ्री से अप ट्रेंड का सेल लेवल जो था 31883। उसके बाद आज का लो हुआ है, मैंने देखता हूँ इधर से चार्ट से बैंक निफ्टी का लो हुआ 31580। चार्ट से भी एक बार देख सकता है कौन सा लेवल पे एंट्री लेना पॉसिबल था। देखिए इधर 831 883 के नीचे आप लोग एंट्री ले सकते थे इधर बाय सेल लेवल 4 से। तो इधर आप लोग को 580 तक लो हुआ था। इधर देखिए ये 15 मिनट का चार्ट में कांस्टेंट एकदम नीचे आया है, उसके बाद ये फिर से लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा हाई गया था। तो इधर से आप लोग को प्रॉफिट बुक करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो उसके बाद फिर अब मैंने इस फाइल में भी चेक कर लेते हैं ये इसका एंट्री लेवल कहाँ पर था। इसका देखिए
इसका इधर इसका भी एंट्री लेवल था 882, इसका 882